नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जो ये शेयर आपको रेगुलर इंटरवल पे बोनस शेयर भी देता है और काफी बेहतरीन कंपनी है। लेकिन दोस्तों आप बता दें कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में रिस्क भी होता है और रिटर्न भी आपको काफी ज्यादा मिलता है, मतलब ये आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकता है। तो साथ साथ इसमें रिस्क भी आपको काफी ज्यादा होता है, इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें इसमें वाइजली करें। जब स्टॉक का प्राइस काफी सस्ते मिल रहा हो तब आपको इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। जब मार्केट काफी ऊपर जा चुका हो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा हो, तो उस समय प्रॉफिट बीच बीच में जरूर बुक करते रहिए स्मॉल कैप में। सबसे पहले हम इस स्टॉक के जो प्राइस का जर्नी है, प्राइस के जर्नी को देख लेते हैं, फिर हम इसके फंडामेंटल को देखेंगे। टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे भी आपको वोलेटाइल देखेंगे। देखिए ये स्टॉक्स जो अपना हाई बनाया है 200 रुपीज का बनाया है, अभी तक ये 200 रुपीज के आसपास पहुंच भी नहीं सका है, 170 तक ही पहुंचा है ये स्टॉक। तो जो गिरावट हुई है 2017 से, तो फिर से इस स्टॉक में अभी तक तेजी नहीं आया है। और इस स्टॉक के हम अगर पीछे की जर्नी की बात करें, तो ये मात्र कभी 1 रुपीज और 2 रुपीज का ये स्टॉक हुआ करता था। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 रुपीज 15 पैसा का ये स्टॉक था, 2 रुपीज 15 पैसा से 200 रुपीज का जर्नी तय किया। प्राइस में इतना ग्रोथ के साथ साथ ये स्टॉक रेगुलर इंटरवल पे आपको बोनस भी दिया। और ये स्मॉल कैप बताने का रीजन ये भी है कि ये एक पीएसयू स्टॉक है और एक लगातार ग्रोइंग स्टॉक है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। देखिए पीएसयू स्टॉक भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं, कब, जब उसके बिजनेस में ग्रोथ हो। तो ये कंपनी कुछ ऐसी ही है कि जिसके बिजनेस में काफी ग्रोथ है। ठीक है, 2 रुपीज से ये स्टॉक लगातार मतलब ग्रो किया और यहाँ पर ये देख सकते हैं हाई को टच किया 70 रुपीज, और 70 रुपीज से फिर इस स्टॉक में गिरावट आता है 20 रुपीज। अब देखिए 70 रुपीज से 20, तो ये तो गिरावट काफी ज्यादा हो गया। तो फिर यहाँ से 20 रुपीज से ये स्टॉक अपना जर्नी तय करता है और फिर से ये स्टॉक देखिए अपना हाई बनाता है 200 रुपीज का। 200 रुपीज़ के हाई को टच करने के बाद फिर से इसमें गिरावट आता है और 70 रुपीज़ पे फिर से ये स्टॉक आता है। तो इतना वोलेटाइल ये स्टॉक है, जब गिरावट होता है तो आप ये देख सकते हैं 70% तक का गिरावट इसमें देखने मिलता है। तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल ये स्टॉक है, तो कभी भी आप हायर प्राइस पे लेते हैं तो फिर आपको कई सालों तक लग जाएगा अपने प्राइस को रिकवर करने में। तो इसलिए कभी भी आपको हायर प्राइस पे ट्रैप नहीं होना है। जब भी स्टॉक गिरावट में मिले तो आपको बाय करना चाहिए। तो इसका जो सपोर्ट लेवल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के नीचे क्लोज दे दे तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है लॉस मतलब स्टॉप लॉस बुक करना चाहिए, या कि ये 100 रुपीज़ के आसपास ही आता है तो आपको एंट्री लेना चाहिए। कभी भी 100 रुपया के पास मिल गया तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और 100 रुपीज़ के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ऊपर जाने लगे तो फिर अपना SIP उसमें लगातार चालू रहिए, मतलब अपना अमाउंट जो उसमें बढ़ाते जाइए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट कैप की बात करें 2,390 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में भी छोटी कंपनी है। अगर बात करें प्राइस का 140 रुपीज के आसपास इसका अभी करेंट प्राइस है, बुक वैल्यू 90 का है, तो बुक वैल्यू से अभी भी प्राइस काफ़ी ऊपर है। अगर बुक वैल्यू के पास मिलता है जैसा कि मैंने बताया 100 रुपीज के पास, तो बुक वैल्यू के पास ही होगा, तो स्टॉक काफ़ी मतलब आपको इंट्रेंसिक प्राइस पे होगा वो स्टॉक। डिविडेंड की बात करें 5% का डिविडेंड यील्ड है। इस शेयर में आपको ग्रोथ के साथ साथ जो FD पे इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट आपको इसमें डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। तो एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें ये है। दूसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 8% है, फेस वैल्यू 10 है। अब देखिए इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इसमें 61% प्रमोटर्स होल्डिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग फिगर दिखाया है, प्रमोटर्स होल्डिंग 61% है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रमोटर्स होल्डिंग है, मतलब ये वालमर एंड लोरी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसी का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, और वो एक PSU कंपनी है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.08 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, मतलब डेट बिल्कुल फ्री कंपनी है, तो मात्र 123 करोड़ का डेट है, तो काफ़ी कम डेट है क्योंकि इतना तो कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट है। तो काफ़ी अच्छा है कंपनी, रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 1371 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और एनालिसिस पे चलते हैं तो प्रोज कंपनी के पास ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और प्रोज में देखें तो अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है, 75% का डिविडेंड परसेंटेज है। और कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी पुअर रहा है, निगेटिव में 0.79%। वही कहें लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, 3 ईयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी जो मात्र 10% है। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 49 करोड़ का अदर इनकम है अर्निंग में। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के साथ।
फिर पीयर्स की बात करें तो इसके पीयर्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं क्वींस कॉर्प और नवा भारत वेंचर, तो कुछ खास नहीं है जो यहाँ पीयर्स है उसके साथ कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का। यहाँ सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ देखिए 1958 करोड़ से ये बढ़ करके हो गया लगभग 3200, फिर यहाँ से सेल्स घटते चला गया। तो यहाँ सेल्स जो है कई सालों से लगभग 5 साल से ये डिक्रीज हुआ, इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ भी आपको 2017 से ही देखने नहीं मिला है। दूसरा प्रॉफिट की बात है, 2010 में 120 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि लगातार बढ़ते गया, और 2016 पे ये प्रॉफिट मैक्सिमम था और उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया, और 2019 में फिर से प्रॉफिट बढ़ा 199 करोड़ का और फिर प्रॉफिट यहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइनेंशियल पैरामीटर हैं उसमें प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इसलिए शेयर प्राइस में भी हमें ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसको देखना, कैश फ्लो देखना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल 171 करोड़ का है कंपनी के पास। रिजर्व की बात करें तो 2010 में 551 करोड़ का रिजर्व था जो कि लगातार बढ़ा 1371 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। अगर बोरिंग की बात करें 219 करोड़ का 2010 में बोरिंग था जो कि लगातार यहां पर पहले बढ़ा फिर घटते चला गया और अभी 123 करोड़ का बोरबिंग है, मतलब जो डेट है कंपनी के ऊपर 123 करोड़ का मात्र है, तो डेट काफ़ी कम हुआ है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी इसलिए ऑलमोस्ट लगभग डेट फ्री है, तो डेट का कोई भी इश्यू नहीं है कंपनी के पास। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है 217 करोड़ का है, और कैश जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -56 है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी से -146 है, और नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का। और जो सबसे मेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। कैश फ्लो के आधार पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, कोई खास इश्यू नहीं है कंपनी के साथ। अगर जो डिफरेंट रेशियोज है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी काफ़ी अच्छा था पहले, थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेबिटर्स डेज की बात करें तो ये आपको जो इसके पीयर्स हैं पीयर्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर 70 डेज और 60 डेज इसके बीच में इसके पीयर्स का भी डेबिटर्स डेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे कम है तो फिर इस कंपनी के साथ आपको नहीं जाना चाहिए बल्कि दूसरे कंपनी के साथ जाना चाहिए। अगर इन्वेंट्री टर्न ओवर की बात करें तो इन्वेंट्री टर्न ओवर अच्छा खासा है, इन्वेंट्री टर्न ओवर का जो रेशियो है 6 का है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो इस मामले में कंपनी काफ़ी बेहतरीन है कि जो सेल्स का इफिशेंसी है कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग, तो यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर पब्लिक में आकर के आप प्रमोटर्स का होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर 61.8% है, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें है। FIs का होल्डिंग 1.71% है और DIs का होल्डिंग 3.50 है, तो अच्छा खासा होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात जो भी होल्डिंग बचा वो पब्लिक का है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। बिजनेस देखने से पहले आपको दिखा दें कि ये कंपनी बोनस शेयर लगातार इंटरवल पे दिया है। देखिए 2013 शुरू से देखते हैं तो 2013 में ये पहली बार बोनस दिया था कंपनी, फिर ऊपर चलते हैं तो 2016 में बोनस दिया, और ये बोनस का रेशियो काफ़ी मतलब बेहतरीन था, 3:1 का था, मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो 300 शेयर बिल्कुल फ्री मिला, तो जो कि बोनस का रेशियो काफ़ी बेहतरीन था। फिर देखिए 2019 में बोनस दिया, तो लगातार इंटरवल पे ये कंपनी बोनस दी है, तो इसलिए स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है बोनस शेयर के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से। सबसे पहला तो हमें ग्रोथ देखना है, उसके बाद बोनस तो अपने आप आपको मिलते चला जाएगा टाइम वाइज, जो कंपनी अच्छी रिकॉर्ड रखती है बोनस शेयर देने में। अब देखिए इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आप साइड में भी देखते हैं ये डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, और ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है ये कंपनी, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में, गियर्स एंड लुब्रिकेंट्स में, केमिकल्स में, रिफाइनरी और ऑयल फील्ड सर्विस में, फिर सर्विस बिजनेस जिसमें टेबल एंड वैक्सीनेशन में है, लॉजिस्टिक में है। अब देखिए कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें, कंपनी मुख्य रूप से एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, जिसमें बात करें तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें इंडस्ट्रियल पैकेजिंग हो गया, गियर्स लुब्रिकेंट हो गया, केमिकल हो गया, रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड सर्विस, और यहाँ पर देख लीजिए सर्विस बिजनेस, तो सर्विस बिजनेस में आप देखते हैं कंपनी जो है टेबल और वैक्सीनेशन में है, लॉजिस्टिक में है। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी बेहतरीन है, तो इस स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा ये स्टॉक। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।